बनाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, इस पर नजर रहेगी। और सोमवार के दिन लिस्टिंग का दिन होगा। नोवोको विस्तास कॉर्प लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इनका प्राइस बैंड 560 to 570 पर शेयर का है। वहीं एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की भी लिस्टिंग सोमवार को होती हुई यानी कि 23 अगस्त को होती हुई हम देखेंगे। प्राइस बैंड 346 to 353 पर शेयर। कैनरा बैंक के इश्यू प्राइस पर एक बोर्ड बैठक सोमवार के दिन होने जा रही है। और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस ओएफएस जो आज नॉन रिटेल के लिए खुला है, सोमवार के दिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओएफएस खुलेगा। अस्ट्रा लिमिटेड, डीएलएफ और सन फार्मा एक्स डिविडेंड 23 अगस्त को ट्रेड होते हुए देखेंगे। तो सोमवार तक के इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो कुछ अहम ट्रिगर्स आपके लिए जहां पर रखनी है आपको नजर आइए। वरुण से खबरों वाले शेयर्स जाने, उससे पहले सिमी जी एक कॉल के साथ हैं तैयार। तो बिगुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स, वरुण बताइए। डेफिनेटली जी, तो सबसे पहले तो नैटको फार्मा या एमरिको कोर्ट से इस कंपनी को झटका लगा है, क्योंकि फार्मा साइकिल्स के साथ इस कंपनी का एक विवाद चल रहा था एक दवा को लेके, और उसके खिलाफ यानी कि नैटको फार्मा के खिलाफ ये फैसला आया है। हालांकि ये फिर से इसके खिलाफ अर्जी देने वाले हैं। वहीं कैडिला हेल्थ जाइडस ने CHEMI केमी के साथ करार किया है एक इंजेक्शन के लॉन्च के लिए करार जो है वो कंपनी के ने किया है। अमेरिका में इंजेक्शन के लॉन्च के लिए करार है ये। टाटा शील, टाटा मोटर्स, यहाँ पे S&P के तरफ से इन दोनों कंपनियों के जो रेटिंग है उसको अंडर वॉच रखा गया है, हालांकि पॉजिटिव व्यू के साथ अंडर वॉच रखा गया है। स्टील स्ट्रिप्स, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इस कंपनी को 1.1 करोड़ डॉलर का एक ऑर्डर मिला है। सोम डिस्टिलरीज, सेवन इंक्स ब्रिवरीज के साथ इसने बियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। BF यूटिलिटीज़ के नंबर्स आए हैं जहाँ पे घाटा 35 करोड़ से घटकर 9 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और आय में भी बढ़ोतरी हुई है। श्रीरामा न्यूज़ प्रिंट, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि पेपर डिवीजन जो है वो मेंटेनेंस के लिए अगले कुछ समय तक उसमें कामकाज जो है वो बंद रहने वाला है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, पेट्रोनेट एजेंसी में 54 लाख, मैक्स हेल्थ केयर में 27 लाख शेयर, सेल में 4.4 लाख शेयर, एम्बेसी रेट में 74.7, फेडरल बैंक में करीब 36 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए हैं। और एक कंपनी AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, इसने सेबी में आईपीओ के लिए अर्जी दी है। 800 करोड़ ये जुटाने वाले हैं इस पूरे आईपीओ से। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए इसके बारे में मानसी के साथ। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, आसान भाषा में फिनिश्ड एक्सपोर्टेड गुड्स जो हैं उन पर रिफंड मिलना, इस पर वाणिज्य मंत्रालय ने एक दरों की घोषणा की, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा फैसला साबित होता हो। इनफैक्ट यहां पर नई दरों से एक्सपोर्ट को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। मंगलवार को DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। आपको बता दें MEIS स्कीम को रिप्लेस करके 1 जनवरी से ये ROD TEP यानी कि जो टैक्सेस पर रिफंड है ये लागू होना था, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, इसलिए फैसला जरूर निकला था लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। अब ये नोटिफिकेशन आ चुका है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी 2021 से ROD TEP योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्टर्स को। अलग अलग क्षेत्रों के लिए दरें जो है 0.5%, 2.5% और 4% की होंगी। इन दरों पर रिफंड मिलना शुरू होगा। करीब 8,555 ऐसे उत्पाद हैं जिस पर रिफंड मिलने वाला है। सरकार ने ROD TEP रिफंड योजना के लिए करीब 12,400 करोड़ का प्रावधान किया है। अब ये फैसला होने के बाद कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर असर आता हुआ दिखेगा? जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं, एक तो टेक्सटाइल सेक्टर, अरविंद फैशन, हिम्मत सिंह का सीड, अंबिका कॉटन, वेल्सपन इंडिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये तमाम कंपनियां गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, इन्हें फायदा मिलेगा। इंडस्ट्रियल टायर सेगमेंट को फायदा मिलेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री, MRF, अपोलो टायर, गुडियर जैसे स्टॉक्स पर फोकस रहे। श्रिम्प एक्सपोर्ट, यहाँ पर वाटर बेस, अवंती फीड और एपिक्स फ्रोजन पर फोकस रखना होगा। आपको बता दें ROD TEP के तहत श्रिम्प एक्सपोर्ट में 2.5% का इंसेंटिव लागू होने जा रहा है। 3% का अनुमान था हमारा, लेकिन साथ ही पुरानी जो स्कीम थी MEIS स्कीम, इसमें 5% इंसेंटिव मिलता था, तो अब 2.5 मिलेगा, लेकिन फिर भी इंसेंटिव है, इसीलिए श्रिम्प एक्सपोर्ट पर भी फायदा मिलना तय है। लेदर सेगमेंट में बाटा जैसी कंपनियों पर फोकस रखे, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि एक्सपोर्ट होते हैं, हैवल्स, BL, हनीवेल ऑटोमेशन, 3M इंडिया, ये तमाम कंपनियों पर फोकस रखना है। इन सब के बावजूद स्टील, फार्मा, केमिकल क्षेत्रों को रिफंड योजना से बाहर रखा गया है। इन क्षेत्रों की स्थिति जो है वो बेहतर है और बिक्री अच्छी होने के चलते इन्हें
उन्हें रिफंड स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये फैसला सरकार की तरफ से सरकार का मानना है, इन सेक्टर्स को इंसेंटिव की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक, लेदर, श्रिम्प एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स और टेक्सटाइल पर इस फैसले का असर आने वाले दिनों में आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े सेक्टर्स जहां पर इसका असर आते हुए दिखेगा। आज के मूव से मत जाइए, एज अ होल सेक्टर के लिए बड़ी न्यूज है और स्पेशली टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। कुछ बड़े सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक पर रखिए नजर, 20 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए हैं। हालांकि स्टॉक में आज 6% की आप गिरावट देख रहे हैं और NTPC में भी 14 लाख शेयरों के कई सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं। इस स्टॉक पर भी थोड़ा सा दबाव है इस समय 2.5% नीचे, बट कुछ बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं। फ्रंटलाइन नेम्स में नजर रखनी है यहाँ पर। कैश का ऑप्शन चलते हैं सुमित जी के पास। तो काफी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डिटेल्स जो हैं अब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस है वो निकल कर आ रही है। हमारी जो खबर है जी बिजनेस की उस पर फाइनली अब मुहर लगती हुई दिख रही है। आप देखिए 2025 तक सबके घरों में जो है स्मार्ट मीटर लगते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो भारत में 100% जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं उसको लेकर जो नई समय सीमा है उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है अब सरकार की तरफ से। इनफैक्ट शहरी ग्राहकों को जो है दिसंबर 2023 तक ये जो पुराने मीटर्स हैं वो बदलकर स्मार्ट मीटर सप्लाई करे जाएंगे और बाकी जो ग्राहक है उनको मार्च 2025 तक की टाइम लिमिट दी गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेन आइडिया था सरकार का वो पावर थेफ्ट को लेकर था, बिजली की चोरी को लेकर था, और साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनका घाटा जो है वो कम हो सके, ये जो दो मेन पर्पज थे, इस वजह से ये स्मार्ट मीटर वाला जो मिशन है ये इनिशिएट किया गया था। अब ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर मिशन के अपडेट जो है वो काफी सारे निकल कर आए हैं पिछले कुछ महीनों में, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखिए पूरे देश में सरकार की जो योजना है करीब 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की है, जिसका कुल आवंटन ये 22,500 करोड़ रुपए का रखेंगे। इनफैक्ट स्मार्ट मीटर के लिए अगर आप देखें तो पावर मिनिस्ट्री ने पहले ही जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कह दिया है कि अब आप अपने स्मार्ट मीटर्स पर स्विच करने के लिए जो है अपनी पॉलिसीज बनाइए। और साथ ही काफी सारी कंपनियां भी अब अपनी रुचि जो है दिखा रही है, खासकर पावर ग्रिड आप देखिए स्मार्ट मीटर्स में उतरने की तैयारी में है। और गोवा या स्टेट वाइज जो पॉलिसीज भी हो रही है स्मार्ट मीटर्स को लेकर वो भी अब सामने निकल कर आ रही है। मिसाल के तौर पर गोवा मैंने रखा है जहां पर फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है। बिल्कुल, तो पावर सेक्टर और स्पेशली कंपनीज जो पावर मीटर्स बनाती हैं उनके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। जैन साहब, आपके रेडार पर है श्नाइडर इलेक्ट्रिक या फिर HPL इलेक्ट्रिक, बढ़िया मूव्स आती हुई दिख रही है और जो ये खबर है उसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं सर? सडनली है ये रडार पे स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, और जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो स्टॉक की जिक्र जरूर होता है, बट समहाउ मुझे फंडामेंटल्स इन सिंक नहीं लग रहा हो। और जो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी 25 करोड़, मतलब एक फैमिली में अगर 4 या 5 मेंबर बोले तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, मतलब इतनी फैमिलीज होगी 130 करोड़ के पॉपुलेशन में तो पूरा इंडिया कवर होगा। सो वेरी बिग न्यूज, बट समय भी है 2025 तक का जो समय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दौरान कई बड़ी कंपनियां, जैसा पावर ग्रिड का नाम आ रहा है, ऐसे और भी कंपनियां सामने उभर के आएगी जो इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की कोशिश करेगी। इवन ITI इज वेल इक्विप्ड, सो मुझे लगता है कि क्लियरली इसको लेकर बहुत बड़ा कोई बेनिफिट मिल जाए स्नाइडर को या HPL को ऐसा नहीं है, बट यस दे आर सर्टनली गुड कंटेंडर्स और वो लोग अच्छी वो है, बट फंडामेंटल्स इन सिंक नहीं जा रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फंडामेंटली नहीं लगा, बट फिर भी जिन्होंने ले रखा है इस न्यूज पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और मुझे याद है शायद मैं इसी शो में था जिस दिन ये न्यूज जी बिजनेस में पहली बार लाई गई थी और आज उस पर मोहर लग गई, दैट्स ग्रेट। सो मेरे हिसाब से होल्ड है, और चूंकि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स खराब है तो ये स्टॉक्स और भी रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली, बट यस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें। और मुझे लगता है ये बड़ी पावर कंपनीज में देखेंगे और कौन अपॉर्चुनिटी एनकैश करेंगे। पावर ग्रिड इज सर्टेनली अ बाय फ्रॉम माय साइड। ओके, तो पावर ग्रिड पसंद है जैन साहब को, बट पूरा पावर सेक्टर में एक्शन और स्पेशली श्नाइडर और HPL जहां पर इन दोनों कंपनीज को इसके फायदे भी होते हुए दिखेंगे। कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आती हुई 15-120 रुपए के आसपास भाव चल रहा है, 803 पे हो जाता है, कोई इसकी खास वजह कुछ समझ में आता है क्यों हो जाता है, किससे हो जाता है? और अच्छा, इसमें हमारे दशकों का किसी तरह से कोई फायदा हो सकता है क्या? अनिल जी, इसमें देखिए एक कारण तो ये हो सकता है कि कभी कभी लिक्विडिटी कम होती है तब होता है, लेकिन ये तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के अंदर है, इसके अंदर होने के चांसेस कम है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है कि जैसे पहले
बहुत बार ये चीज उठ चुकी है कि जब क्वांटिटी सौदा एक साथ जाता है तो डेप्थ नहीं होने की वजह से सडन स्पाइक में ऊपर का हाई लग के वापस उसी एवरेज पे ट्रेड होने लगता है। तो अगर किसी ने सौदा डाला हो फ्रीक में, अगर किसी का चला गया बाय फ्लू तो होता है, अदरवाइज इसमें कुछ खास फायदे वाला सीन नहीं है। और जिसने बटन दबाया है उसका सिर्फ एक स्पाइक मार के एक हाई लग के वापस उसी भाव पे ट्रेड होने लग जाता है। हाँ बात तो सही है, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस, इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे इंडेक्स, कौन सी वाली में होगा किसको पता। करेक्ट, सब जगह तो आप सौदे डाल के रख नहीं सकते, तो ये तो नसीब वाली बात है। जिसका नसीब खराब है उसके पैसे लग जाएंगे, जिसका नसीब अच्छा है उसके बन जाएंगे। लेकिन फ्री ट्रेड जब भी होगा हमें तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे लिए तो रिपोर्ट करना जरूरी। तो ये एक फ्री ट्रेड हुआ है 16,450 के कॉल ऑप्शन में, 803 रुपए का हाई बनाया है इस कॉल ऑप्शन ने, जो आमतौर पर 110, 115, 120 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी का भाव 100 रुपए है और 800 रुपए का हाई, वाह गजब है, क्या बात है। ये है आपके लिए बड़े बड़े फ्री ट्रेड होते हुए आपके लिए इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देवांशी हमारे साथ तैयार हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। सिमी जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया, जरा अनम्यूट करके बताइए मैम। हाँ दीपांशु, इस बार पीडीलाइट को देखना पड़ेगा, पीडीलाइट में खरीदारी करने का कॉल देना है। पीडीलाइट अभी 2278 के आसपास है, करंट लेवल पर ही खरीदना पड़ेगा। पहला टारगेट होगा 2295, दूसरा 2310, 10 और तीसरा 2330। ये तीनों टारगेट्स के लिए पीडीलाइट को खरीद कर चलने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि पीडीलाइट के लिए एक बड़ा सा स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट काफी लोअर लेवल पर आया था आज के आज। मुझे लगता है कि अभी के लिए अगर कोई करंट लेवल पर खरीद रहा है उन लोगों के लिए 2265 के नीचे ही स्टॉप लॉस होगा। ओवरऑल पोजिशनली दीपांशु मुझे लगता है कि 2240 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई वेट करता है तो एक ही महीने में मुझे लगता है कि 2380 से 2450 तक का रैली भी पीडीलाइट में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बड़े टारगेट के लिए बड़ा स्टॉप लॉस के साथ पीडीलाइट को खरीदने का सलाह होगा। पीडीलाइट मेरी तरफ से इस बार का बाय। ओके, तो सिमी जी की तरफ से पीडीलाइट पर खरीदारी की राय, नजर रखिए इस काउंटर पर एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। एक्शन में इसमें इस वक्त और यहाँ पर आपके लिए राय बायबैक पर 710 से 760 रुपए के रेंज की आती हुई हमारी टीम की तरफ से। चार्ट के लिहाज से भी एक बार समझ लिया जाए अगर खरीदना है तो कौन सी रेंज सही होगी इसके लिए, यहाँ पर एंट्री करने के लिहाज से कावेरी सीट्स में वो भी एक बार देख लिया जाए चार्ट पर किस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बताएं किरण जी, किन लेवल पर एंट्री करनी चाहिए अगर किसी को पोजिशनली खरीदना है, यहाँ से खरीद कर बायबैक में टेंडर करना हो? अली जी, लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं तो करंट लेवल्स सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल्स 565 से लेके 550 ये बाइंग जोन रहेगा कावेरी सीड्स के लिए। और मैं मानता हूँ कि जो पुलबैक आएगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 675 का है, तो 675 मेरा टारगेट रहेगा अगर ये पॉजिटिव न्यूज आती है तो। 675 तक जा सकता है अगर मूड माहौल ठीक रहे और यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखे, तो ये हो सकता है आपके लिए बायबैक के लिहाज से इस स्टॉक में कावेरी सीट में आप कर सकते हैं ये एक्शन पूरा का पूरा। आइए एक्शन कुछ और बढ़ते हुए नजर आ रहा है और हमारे